देर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। तो भाई कहने का मतलब ये है कि आपका ना एक सर्कुलर पाथ है, कुछ इस तरह से एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ। मतलब जैसे घास लगा देते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से, ये आपका स्पोर्ट्स फील्ड हो गया और उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ मतलब कई बार आपने देखा होगा ट्रैक होते हैं उसके चारों तरफ, क्रिकेट का ग्राउंड मान लो इसको एक तरह से, और उसके चारों तरफ एक ट्रैक है। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। मतलब उसको 18 मिनट लगते हैं इसको भागने में, सोनिया को। तो चलिए सपोज कर देते हैं कि यहाँ से शुरू कर रही है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ये मान लेते हैं, मतलब गेट की एंट्री हुई और यहाँ पर आपके खड़े हो गए और यहाँ से आपने भागना शुरू कर दिया, जॉगिंग करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो सोनिया, और सोनिया को कितना समय लगता है, 18 मिनट्स, एक राउंड खत्म करने में उसको 18 मिनट लगते हैं। जबकि रवि, रवि को 12 मिनट लगते हैं, रवि जो है 12 मिनट में खत्म कर देता, 12 मिनट में। ऑब्वियसली बात है वो जल्दी खत्म कर रहा है, इसको टाइम लग रहा है। मतलब अगर भागना शुरू करेंगे तो रवि तो 12 मिनट में पहुंच जाएगा यहां तक, पर ये अभी कहीं सोनिया पीछे रह जाएगी, पर ये जब तक सोनिया यहां पर आएगी रवि और आगे भाग चुका होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? ऐसा कुछ हो रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट ए सेम पॉइंट, जैसे कि हमने पॉइंट सेम पॉइंट ले लिया यहाँ पर, एट द सेम टाइम में करें और सेम डायरेक्शन, मतलब वही जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे कि दोनों के दोनों सपोज करो एक ही डायरेक्शन इस तरफ भाग रहे हैं, इस तरफ उन्होंने भागना शुरू किया दोनों ने। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहीं पर वो दोबारा कब मिलेंगे, इसी जगह वो दोबारा कब मिलेंगे। देखिए पहली बात तो ये कि इसमें मल्टीपल्स शुरू हो जाएंगे। कैसे कैसे, मतलब मल्टीपल एलसीएम क्यों लेना पड़ेगा? देखो 18, 18 के बाद अगला कितने में चक्कर कंप्लीट होगा, 36 में, फिर अगला 18 और ऐड कर दोगे इसमें। ठीक है, और रवि भाई साहब का क्या हाल चाल है, वो अपना 12 में करेगा, फिर 24 में करेगा, फिर 36 में करेगा। 36, अरे ये तो 36 36 यहीं से पता चल रहा है, 36 ही हो गया। मतलब ये तो वर्बली भी पता चल गया। देखो मैंने जैसे कि आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट भी बताया था, जो सोनिया है वो पहला राउंड 18 में, दूसरा राउंड 36 मिनट में, और तीसरे की बात नहीं करते क्योंकि मैं यहां पर दिख ही गया था। और रवि का पहला राउंड 12 में, दूसरा राउंड 24 में, और तीसरा राउंड उसका 36 में। तो मतलब ये 36 मिनट में एक ही जगह होंगे, पर रवि के 3 राउंड हो चुके होंगे और सोनिया के 2 राउंड हो चुके होंगे। तो ये तो मतलब वैसे ही हमें अंडरस्टैंडिंग से भी पता चल गया, एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि देखो मल्टीपल्स है ना इसमें, चीजें बढ़ रही हैं। तो अब सॉल्यूशन भी कर देते हैं, ये तो अंडरस्टैंडिंग से हमने कर ही लिया, वैसे फिर भी इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व करते हैं। यू नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम। तो एलसीएम करना, देखो इकट्ठा एलसीएम लेना भी आपको आता होगा कि 12 और 18 इनको इकट्ठा भी लेते हैं ऐसे करके। तो इकट्ठा कैसे लेते हैं, इसमें आप पहले ले लेंगे, आप 2 से प्राइम नंबर से ही करते हैं, तो 6 और 9 अभी भी मतलब प्राइम प्राइम, पहले जहां जब तक जा रहा है उससे खत्म करते रहो, इलॉजिकल मत जाना चाहिए। अब 2 से तो नहीं, 3 3 1 और 3, एक बार और ये दोनों 1 1 बन चुके हैं। अब तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम देखो कैसे लिखते हैं, ऑफ ब्रैकेट का मतलब ऑफ होता है, ये सब चीजें ध्यान से सुनते रहा करो। ये ऑफ एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, ये आपका क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड में 2 मल्टीप्लाइड में 3 मल्टीप्लाइड में 3, और इसको आप चेक करें 36। तो आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन, आंसर भी तो लिखना है। आंसर कैसे लिखेंगे, आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका आंसर हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आंसर आ चुका है तो पहले आंसर को हाईलाइट जरूर करना, स्पेशली ये आपने हाईलाइट जरूर करना है ताकि टीचर जो चेकर है उसका दिमाग इस पे जाए। समझे?